उत्तराखंड वन विकास निगम ने फायर सीजन शुरू होते ही तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर जंगलों और उसके आसपास क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं को रोके जाने को लेकर व्यवस्थाओं को जांचने वन विकास निगम के अधिकारी पहुंचे, जहां मॉक ड्रिल करते हुए आग लगने की घटना पर किस तरह से इसे काबू किया जा सकता है उसका अभ्यास किया गया। वहीं वन निगम डिपो ने पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए, जिसमें जनरेटर के माध्यम से पानी को डिग्गी से खींचकर आग बुझाने के प्रयोग में लाया जा सके। वहीं फायर सिलेंडर के सुरक्षित रखरखाव और आग की घटना पर उसको किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है उसकी जांच की गई। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। अभी जो है हम उसके बाद जो है अलग से जो फायर टीम है उसको भी बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह जितने भी हैं उनको बुलाएंगे। सेंचुरी पेपर मिल है, स्टार पेपर मिल, मतलब जितने भी जो हमारे पेपर मिल वगैरह हैं उनसे भी, इंडियन ऑयल वाले हैं उनको भी सबको बुलाएंगे। संपूर्ण तैयारियां हैं, हमने जो जो भी मतलब फायर सीजन से संबंधित जो भी हमारे पास वो होता है वो सब हमारा सिस्टम दुरुस्त करा।